हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। खुशी, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रखा? गया सर। और सुनाओ, क्या पढ़ना है आज आपने? सर वो मेरे डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चन के। हाँ, हाँ बोलो। ऐसे ऐसे सर सेकेंड रुकना, ये बहन के फोन से कनेक्टेड है तो। हेलो। हेलो। हाँ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोलो जरा। एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। सीधा एक्स को साइन थीटा पुट कर दो, सो दैट डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स एक्स आएगी। तो एक्स के प्लेस पे तो आपका साइन थीटा आ गया, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे थीटा आ गया, और डीएक्स के प्लेस पे कॉस थीटा डी थीटा आ गया। आई थिंक ये सवाल कराया हुआ है खुशी आपको। नहीं आप चेक करना, मुझे इसे देख के लग रहा है जैसे कि मैंने इसे कराया है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। कोई नहीं, फिर से देख लो, इतनी देर में तो सवाल हो जाएगा। Now, on applying integration by parts, हेलो।
हेलो हेलो। सर, मेरे को ना लग रहा है आज मेरा नेट बहुत ज्यादा खराब है और कोई भी नहीं चल रहा। मैंने अभी हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर रखा है पर ये भी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। अच्छा सर, आज की क्लास हम लोग शाम में या कल शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैं सोच मैं थोड़ा एक बार देख यार, शाम में तो नहीं, कल सुबह 8 बजे रख सकते हैं। इज इट कन्वीनियंट टू यू? हेलो। हेलो। हाँ खुशी, क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ सर, मैं कह रही हूँ मेरा नेट ऐसे बहुत खराब सा हो रहा है। एक बार ट्राई कर लेते। चलिए, अगर मैं फिर से एग्जिट हो गई तो फिर हम शाम में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं है मेरा नेट बहुत। एक्चुअली शाम को तो मेरी क्लासेस हैं 4 to 8, 9 जो होती हैं ऑलरेडी। तो सर कल कल कर सकते, क्योंकि आज तो इतना पता नहीं इशू क्यों हो रहा है। मैं पापा से बोलती हूँ, वो ठीक कराएंगे। अच्छा कल मॉर्निंग में रख लेते हैं, 9 AM रख लेते हैं। या फिर अभी एक बार देख लेते, अगर मैं फिर से अगर वापस से कोई इशू होगा ना तो फिर हम कल कर लेते, चलो ट्राई बट कर नहीं लेते होता तो हैं। कंटिन्यू। हाँ नहीं, ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में 9 AM या 10 AM आप रखना चाहें, क्लास हो जाएगी। ये क्वेश्चन वैसे देखना मैंने कराया हुआ है जहां तक मुझे याद है, तो इसमें वही फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन थीटा कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। तो इसमें आप साइन थीटा को टी पुट कर दो तो कॉस थीटा डी थीटा जो होगा डीटी हो जाएगा, तो थीटा इनटू, अब जब साइन थीटा को टी पुट किया आपने तो टी डीटी हो गया माइनस ये 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें भी जब साइन थीटा को आपने टी पुट किया तो कॉस थीटा डी थीटा डीटी हो जाएगा, इस पूरे के बाहर आपका थीटा है। दिस इज इक्वल टू थीटा इनटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 और यहां पे आपका डी थीटा था, सो थीटा टी के प्लेस पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 माइनस 1/2 बाहर ले लिया, टी के प्लेस पे साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। सो थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, साइन थीटा एक्स के इक्वल था तो एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। तो ये तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वुड कम आउट एक्स स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर, वन का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आ जाएगा, कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन टू प्लस सी, सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर थीटा प्लस वन बाय एट साइन टू थीटा प्लस सी। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स थी, प्लस वन अपॉन एट साइन टू थीटा को आप लिख सकते हो टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू से एट कट किया फोर आ गया, सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स कॉमन भी ले सकते हैं वैसे हम, या ऐसे ही लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय फोर साइन थीटा को हमने एक्स रखा था तो एक्स हो गया, और कॉस थीटा को लिख सकते रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर चेक करो इसका सही आ रहा है। मतलब सर यही है मल्टीप्लाई। हाँ ओके और बोलो बेटा। सर उसके बाद वो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x tan inverse x tan inverse x। हाँ इन्हीं लाइंस पे आप इसे अपने आप कर सकते हो, या मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूं tan inverse x को फर्स्ट और x को सेकंड ले लें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल, सो टेन इनवर्स एक्स इट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन टू dx, सो x स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स x माइनस, ये आपका x स्क्वायर है वन बाय टू बाहर ले लिया हमने, जैसे वन प्लस x स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं हम, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड कर दिया 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 dx upon 1 plus x square, so it would become
एक्स स्क्वायर अपॉन टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया डीएक्स प्लस वन बाय टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी ऑन फर्दर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर चेक करो सर से ठीक है और बोलो बेटा सर इलेवेंथ सम बोलो इलेवेंथ क्या है इसमें है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का सवाल मैंने आपको एग्जांपल में कराया था वहां कॉस की जगह साइन था तो ट्राई इट योरसेल्फ और सर टेंथ हाँ जी टेंथ क्या है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर Is it? Yes, sir. Okay. Put x is equal to sine theta. So your dx is equal to cos theta d theta. If x is sine theta, then theta ki value kya aayegi? Sine inverse x. On further solving, तो हमने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है तो थीटा का होल स्क्वायर आ गया और डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई कॉस थीटा डी थीटा तो आपका फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन ऑन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स On applying integration by parts, integration by parts को हमने apply किया तो first function integration of second minus integration differentiation of first integration of second whole integral so theta square cos theta का integration sin theta होता है theta square का जो differentiation करोगे तो 2 theta और cos theta का integration sin theta d theta थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा थीटा को फर्स्ट फंक्शन ले लो साइन थीटा को सेकेंड तो ये थीटा की वैल्यू क्या थी भाई साइन इनवर्स एक्स को या एक्स को साइन थीटा पुट किया था मैंने तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स थी
तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, साइन थीटा की वैल्यू एक्स थी, माइनस टू से अभी इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल. तो इट कम्स आउट एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस टू थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन वन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा. ऑन फर्दर सॉल्विंग एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे हम, तो माइनस टू को जब माइनस थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को माइनस से करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, तो माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा. ये आपका हो गया x, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस टू, थीटा की वैल्यू रख दी हमने, साइन इनवर्स x, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता लेकिन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी. तो इट कम्स आउट एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस साइन थीटा एक्स के इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी. आंसर चेक करो. हाँ सर से ठीक है. और बोलो बेटा. और सर ये 12th और 13th क्या है? x square x नहीं सर ये नहीं 13 इसका उसका है tan inverse x. एक मिनट आप बोलो क्या कह रहे हो. tan inverse x only tan inverse x into 1 dx कर लो. x वाला तो हमने किया था, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड कर लो, बाकी अप्लाई करो. सर मेरी एक सेकंड, मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, मैं दूसरी. क्या कह रहे हो खुशी, आवाज नहीं आ रही. नोटबुक खत्म हो गई है, मैं दूसरी नोटबुक. हाँ ले आओ ले आओ ले आओ. हेलो हेलो
तो मैं ये कह रहा था बहुत इजी है, वही टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट कर दो, फर्स्ट को इनटू वन कर देते जैसे लॉग एक्स में करते हैं जब कुछ नहीं होता, तो वन को सेकंड फंक्शन मान लो, ऑन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन means tan inverse x integration of second minus integral differentiation of first integration of second whole integral. So tan inverse x dx का integration x होता है minus tan inverse x का 1 upon 1 plus x square 1 dx का इंटीग्रेशन x पूरे के बाहर dx. सो x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, so that 2x dx is equal to dt or x dx is equal to dt by 2. So x tan inverse x, x dx की वैल्यू कितनी है, dt by 2 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग टी प्लस सी. सो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग टी के प्लेस पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. लॉग टी कहां से आया था? हां जी, log t कहाँ से आया? log t plus c. फिर आया कैसे? भाई dx upon x का integration क्या होता है? log x होता है. अच्छा. one by two बाहर ले लिया, dt upon t का log t हो गया. ठीक है हाँ. Yes, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डेली लर्न करो, क्योंकि अभी इसकी मिसलिनियस आएगी. खुशी, मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है. दो तीन दिन तो मिसलिनियस को ही कराने में लग जाएंगे, और उसमें बड़े टिपिकल टाइप के सम भी हैं. हाँ सर, बस इतने क्वेश्चंस थे मेरे. और बोलो सर. बस इतने ही थे. इतने ही थे सर. इतने ही थे. चलो, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई अब आपकी. ओके, अभी अगली जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस में नहीं है. अच्छा हाँ, 6.7.3 डिलीटेड हुआ है ना. दो चीजें डिलीटेड हुई हैं. तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में हो तो वो सिलेबस में आपके नहीं है, और लिमिट एज अ सम उससे अगली एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, यानी 7.7 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 7.8 सिलेबस में नहीं है. चेक कर लेना एक बार. 7.8 तो पता, 7.7 का नहीं पता है यार. कह रही हूँ 7.7 का नहीं पता, 7.8 का पता है कि वो तो नहीं है. आनी 7 भी नहीं है, एक बार चेक कर लेना. मैंने जो देखा था डिलीटेड सिलेबस पहले. हाँ, तो ये है कि यदि हो तो बता देना. तीन फार्मूले कराने हैं बस, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज इजी है. अच्छा ठीक है सर. ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेना. मैंने तो चेक कर लिया था, फिर भी अपने एंड से क्रॉस चेक कर लेना.
अब मैं लिए चल रहा हूं आपको डेफिनेट इंटीग्रल, नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेट माने निश्चित। अब किसी भी फॉर्मूले से करो आंसर सेम आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। यस सर। इसमें सी को रिमूव कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, अब कोई कांस्टेंट ऑफ सी यूज नहीं होगा। किस तरीके से यहाँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन काम करती हैं, जैसे 1 से 2 एक्स डी एक्स हो कोई सम, इस नीचे वाली को कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन आपका पावर फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं एक्स के प्लेस पे, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, एक्स के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 का स्क्वायर अपॉन 2। यस सर। तो 4/2 माइनस 1/2 3/2। ठीक है, तो ये तो वैसे आपको खुद करनी चाहिए एक्सरसाइज। मेनली तो ये है कि इसमें बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है और बाकी जो मेथड है वो सारे के सारे पुराने ही होंगे। सर ये तो फिजिक्स में भी किया था लास्ट ईयर। हाँ जी, ये फिजिक्स में भी किया था लास्ट ईयर। हाँ नहीं, फिजिक्स में भी है, हाँ यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल उसमें भी, और आपके फिजिक्स में भी डेरिवेशन जब आएंगे ईएमआई में तो वहां पे कई जगह इंटीग्रेशन का आप यूज करोगे। ठीक है, फर्स्ट सम देखो एक्सरसाइज का। -1 से 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन जैसे हम करते थे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 डी एक्स का वही एक्स आ जाएगा, -1 से 1। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 -1। क्या आपका हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस ये 1/2 माइनस 1। ऑन फर्दर सॉल्विंग आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2। ठीक है सर, सेकंड सम जरा अपने आप करके दिखाओ। हाँ। क्या मेरे बोर्ड पे ही कर सकते हो? हाँ। करो, सर इसमें वो परमिशन शायद आपने हटाए रखा है। इसे परमिशन हटाया हुआ शायद आपने, मैं डिक्टेट परमिशन परमिशन तो दे रखी है मैंने। सर यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, मतलब बता देती हूँ।
नहीं, बाकी तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, अलाउ पार्टिसिपेंट्स कर रखा है, शेयर स्क्रीन कर रखा है। तो सर मैं वो शेयर स्क्रीन करते करती हूँ अपने स्क्रीन पे देखो, यहाँ मुझे दिखाई देगा 1 से 2 आपका ये है क्वेश्चन, 2 से 3 1/x dx। सर आपको लेकिन अपना स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा एक मिनट, 2 2 3 मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दूँ? कर दिया। नहीं सर आपको अपना स्क्रीन शेयर हटाना, ये शेयर ये स्क्रीन हटाना पड़ेगा। वेट आएंगे कैसे टाइम, उसमें सर नीचे ऑप्शन होगा शेयर स्क्रीन रिमूव करके ना। पार्टिसिपेंट, इसमें रिमूव नहीं पार्टिसिपेंट आ रहा है। नहीं सर इसमें नीचे जो ऑप्शंस होते हैं ना, पार्टिसिपेंट, चैट, शेयर स्क्रीन, रिकॉर्ड और रिएक्शंस करके हाँ हाँ नीचे। शेयर स्क्रीन है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन। हाँ उसको वो उस पे सर पहले आप अपना उस पे क्रॉस कर दीजिए ताकि आप ये स्क्रीन हट जाए। नहीं मेरे वाला कैसे क्रॉस करूं मैं यहाँ पे, तो मेरे लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरा तो ऑलरेडी स्क्रीन शेयर चलता रहेगा, स्क्रीन शेयर जो मैंने कर रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि हट तो जाता है मतलब नीचे पहले तो ऑप्शन मैं ऐसे आता ही है कर कि दिया आप। करते थे, बीच में एक आध बार करवाया तो आपसे। हाँ सर उस टाइम में मेरे पास वो था आईपैड, तो उसमें आता था, इसमें लैपटॉप पे नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे एक ये कुछ है, नहीं मिल गया मिल गया, हाँ मिल गया। देखो जरा, हाँ सर ये 3 2 2 उसके बाद इसमें है नहीं, एक सेकेंड। सर आ रहा है सर, तो ये 1/x dx, तो अब इसमें सर इसमें इसको इंटीग्रेट 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फार्मूला सोचो। अभी 1/t का क्या किया था हमने, लॉग लॉग टी तो 1/x का क्या होगा? और लॉग एक्स, तो ये 3, ये 2, ये लॉग तो लॉग एक्स। इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाओगे ना यहाँ? अच्छा हाँ ये तो हट जाए। अब तो इंटीग्रेशन आपने जब कर लिया जब यहाँ इंटीग्रेशन आपने कर लिया तो सिंपली लॉग एक्स लिखोगे, 2 2 3 करो फिर आगे। अच्छा हाँ ये हाँ, तो इसमें सर अब इसके बाद ये लॉग एक लॉग 3 - log 2 सर लॉग थ्री लॉग हो माइनस जाएगा, लॉग टू को क्या लिख सकते हैं? log 3 - log 2 को इसे क्या लिख सकते हैं? पता नहीं सर, भाई लॉग ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? log a - b याद नहीं आ रहा मेरे को। लॉग ऑफ ए अपॉन बी, हाँ तो log 3 - log 2 को क्या लिख सकते हैं? ये log 3 upon log 2 log 3 upon log 2, नहीं log 3/2। दोनों हाँ log 3/2 एक ही log आ जाएंगे, जैसे log a upon b तो log a - log b होता है, उसी तरह से log 3 - log 2 log 3/2 होगा।
सर। नेक्स्ट सम करो जरा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ा बढ़ा दे रखा है, इसे घर से करना क्योंकि अलग अलग टर्म का करना पड़ेगा और आपसे स्क्रीन पे इतना सारा लिखा नहीं जाएगा। फोर्थ करो, जीरो से पाई बाय फोर साइन टू एक्स, जीरो टू पाई बाय फोर साइन टू एक्स डी एक्स। सर इसका होगा अब करो इसका। हाँ सर इस पे होगा ये नहीं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा क्या होता है? माइनस, हाँ माइनस कॉस टू एक्स लिमिट पाई बाय फोर, नहीं माइनस कॉस टू एक्स अपॉन इंटी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो होता है वो टू भी लिखेंगे। सर मैं इधर यहाँ वन बाय टू लिखने वाली थी। ठीक है। हाँ तो उसके बाद अब इसमें ये जो लिमिट आएगी, ये लिमिट जो आएगी आपकी, ये बाद में आएगी। अच्छा तो अभी नहीं लिखना? नहीं अभी नहीं, ये जब आप लिखोगे माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू लिख दोगे तो ये जो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है इसके बाहर आपकी लिमिट आएगी जीरो से पाई बाय फोर। अच्छा तो ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वन बाय टू को आप बाहर रखना, अब वैल्यू रखो या माइनस भी बाहर ले सकते हो कॉमन। अच्छा इस माइनस को पहले ही बाहर ले सकते हो कॉमन। तो कॉस टू एक्स, सर हैंडराइटिंग बहुत बुरी आ रही है। कोई बात नहीं, एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू रखो ना। अच्छा कॉस इसमें सर टू एक्स की जगह पे यहाँ पे फाइव एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू पाई बाय फोर रखो। बाय फोर माइनस कॉस टू इनटू जीरो। टू इनटू जीरो इक्वल टू टू से पाई बाय फोर को कट करो। हाँ टू टू तो cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है? 90 cos 90 होता है और cos 90 का वैल्यू भी होता है, मतलब वो टेबल बनाना पड़ेगा मेरे को, याद नहीं है। cos 90 जीरो तो cos pi by 2 की वैल्यू जीरो हो गई। लिखो यहां जीरो। माइनस वन बाय टू ये जीरो हो गई और कॉस जीरो की वैल्यू वन, माइनस वन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन बाय टू आंसर आ गया। ठीक है। हेलो
बुरा हो बुरा लाइट आ रही है, मैं तारे ला दे ठीक है, उनका पंखा चल रहा साथ आ रहे हैं उनका। जाते कहते ना ऊपर वहां जाके एक जन तारे ला दे, बैठे उन्होंने निकाल दे। नहीं तो तुम जाके हिला दो, हेलो हेलो। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था माइनस वन बाय टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगी वन बाय टू आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ तो इस तरह से बेटा इस एक्सरसाइज को ट्राई करो, फिर कोई दिक्कत होती है तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम सारी इजी हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है सब में। ठीक है सर, 7.9 7.10 दोनों ही एक सी हैं, ट्राई ये करना, दोनों को ट्राई कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7.9 को तो पूरा ट्राई करो। ठीक है सर, चलो ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर।